गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था प्लास्टिक। प्लास्टिक की अभिक्रिया और गुण वगैरह हमने पढ़े, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर हमने पूरा डिटेल से इनके गुण को नहीं पढ़ा था। अब हमारे पास में इनके गुण जो हैं वो पूरी डिटेल से हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। इसका जो फोटो है, पिक है या PDF है वो मैंने आपको भेज दिया था, ठीक है। देखिए प्लास्टिक के गुणधर्म, देखो वैसे तो आपने काफी सारी चीजें सीख रखी होगी प्लास्टिक के गुणधर्म में। आपने देखा भी होगा कि लोहे पर जंग लग जाता है लेकिन प्लास्टिक पर जंग नहीं लगता है, या हम मान लो देखें कि लोहे की वस्तुएं महंगी आती हैं लेकिन प्लास्टिक की वस्तुएं सस्ती आ जाती हैं। काम वही रहता है लेकिन डिफरेंट इतना होता है कि वो प्लास्टिक है और वो लोहा है। धातु की जो चीजें होती हैं वो महंगी आती हैं लेकिन जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो हल्की आती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा अधिकतर हम ये देखते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब आजकल प्लास्टिक में भी बनने लग गई हैं और बनने लग गई हैं और उसका जो उपयोग है वो भी ज्यादा होने लग गया है, क्योंकि वो सस्ती भी होती है और अच्छे चलने वाली भी होती है और जंग नहीं लगता है, ठीक है। काफी अधिक यूज होता है उसका और दोबारा उपयोग भी किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इनके यहाँ पर वही सारे गुण हम यहाँ पढ़ेंगे, ध्यान से समझिए। प्लास्टिक के गुणधर्म में हमने लिखा है कि प्लास्टिक के निम्न गुणधर्म होते हैं, ठीक है। पहला है प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक किसी भी वायु जल या पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करती है। दूसरा, प्लास्टिक हल्का, प्रबल मतलब बहुत ज्यादा तेज और चिरस्थायी यानी कि अधिक समय तक टिका रहने वाला, अधिक समय तक उपयोग होने वाला पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में प्लास्टिक उष्मा और विद्युत का कुचालक है। ध्यान रखें, कुचालक यानी कि जिसमें उष्मा और विद्युत प्रवाहित ना हो, ठीक है, उसे बोलेंगे हम कुचालक, ठीक है। फर्स्ट लिखा हमने प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है, तो इसमें देखिए प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अतः उनका संक्षारण, ठीक है, संक्षारण का मतलब है जंग लगना, ठीक है, अतः उनका संक्षारण नहीं होता है। इसलिए इनका उपयोग कई रसायनों मतलब केमिकल वगैरह को रखने में और अन्य प्रकार के पदार्थों के संचयन यानी कि उसको रखने में उपयोग करना, ठीक है, उसको संचयन करने में किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है यानी कि किसी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन कौन से पदार्थ है हमारे पास में, प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है तो इसलिए इस पर जंग नहीं लगता है यानी कि इसका संक्षारण नहीं होता है। फिर हमारे पास में इसलिए इनका उपयोग रसायनों यानी कि केमिकल, आपने देखा होगा जितनी भी लैब वगैरह होती है हमारे पास में उन सब में जो केमिकल रखे जाते हैं वो प्लास्टिक के डिब्बों में रखे जाते हैं। अचार वगैरह जो आजकल खाद्य पदार्थ के लिए आप उपयोग में लिए जा रहे हैं उन सब के लिए भी हम प्लास्टिक के डिब्बे यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की थैलियों में ही, वैसे तो इसका हानिकारक प्रभाव भी है जो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल तो हम इसकी उपयोगिता देख रहे हैं। तो हमने देखा है कि प्लास्टिक के डिब्बे जो होते हैं वो सस्ते आते हैं और उनका उपयोग अधिक समय तक भी किया जा सकता है और उसका दूसरे उपयोग में भी किया जा सकता है। जैसे मान लो आज हम कोई खाद्य पदार्थ प्लास्टिक के डिब्बे में लेकर के आए हैं, ठीक है, वो जैसे ही खाली हो जाती है हम उसका उपयोग दूसरी चीज में कर लेते हैं। तो यानी कि इसका उपयोग जिसे कहते हैं रिसाइकल, रिकवर, रीयूज, ठीक है, तो हम इसका रीयूज करते हैं, ठीक है, इसका दोबारा उपयोग करते हैं, संचयन भी किया जाता है। दूसरा हमारे पास में सेकंड वाला पॉइंट, प्लास्टिक हल्का, प्रबल, चिरस्थायी है। चिरस्थायी मतलब अधिक समय तक रहने वाला, ठीक है, काफी समय तक ये रह सकता है, साल भर, दो साल भर, ठीक है। तो देखिए प्लास्टिक सस्ते होते हैं
पहली बात तो ये प्लास्टिक सस्ते होते हैं, इसलिए उद्योगों और घरेलू उपयोग में अधिक उपयोगी है। यह हल्का और चिर स्थायी यानी अधिक समय तक टिका रहने वाला होने के कारण इसे विभिन्न आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसको विभिन्न आकार में ढाला जा सकता है क्योंकि ये हल्का भी होता है और अधिक समय तक टिकने वाला भी होता है, चिर स्थायी होता है। ठीक है, हम इसकी कई सारी वस्तुएं बना लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक जो कि अगर बॉटल्स वगैरह होती हैं तो हम उसको फैक्ट्रियों में जो बनाया जाता है उसको दोबारा मॉडिफाई कर दिया जाता है और दोबारा उसकी कोई वस्तुएं बनाई दी जाती हैं, पाइप वगैरह बना दिए जाते हैं, कठोर पाइप बना दिए जाते हैं, चेयर वगैरह बना दी जाती हैं। ठीक है, वो सब फैक्ट्रीज वगैरह में होता है ये सारा। ठीक है, उसके बाद में है प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो या ऊष्मा प्रवाहित ना हो। ठीक है, देखिए यह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए इनसे बिजली के तार, आपने देखा होगा अपने घरों में जो वायरिंग लगी होती है, बिजली के तार लगे होते हैं, उसके अंदर कॉपर का यानी कि तांबे का तार लगा होता है लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण भी चढ़ा हुआ होता है। तो वो जो प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है वो इसीलिए चढ़ा होता है ताकि हम अगर उसको छू लें बाहर से तो हमें करंट ना लगे। ठीक है, तो इसलिए प्लास्टिक का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिजली के तार का आवरण बनाने में। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस तरीके से देखिए खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा था बेकेलाइट का उपयोग, मैंने पहले भी लिखा दिया था कि बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका उपयोग कुकर के हत्थे, ठीक है, और जो हमारा मतलब जो कढ़ाई वगैरह होती है उसके हत्थे बनाने में, ठीक है, तवा जो होता है उसका हत्था बनाने में, यानी कि कठोर प्लास्टिक होती है जो कि गर्म नहीं होती है। आप चाहे उसको काफी देर तक रख दें, ठोस होती है वो लेकिन गर्म नहीं होती है, हम डायरेक्टली ऐसे उठा करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, यानी कि इससे बिजली के तार भी बनाए जाते हैं और कुकर के हत्थे भी बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। प्लास्टिक के गुणधर्म, प्लास्टिक के गुणधर्म आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है, प्लास्टिक हल्का प्रबल चिर स्थायी है, प्लास्टिक ऊष्मा विद्युत का कुचालक है। फिर हमने इसमें पढ़ लिया था प्लास्टिक कैसे अब अनभिक्रियाशील है, यानी कि ये जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए हम उसका उपयोग कई रसायनों को और कई अचार वगैरह को या कई वस्तुओं को रखने में किया जाता है। उसके बाद में हल्का प्रबल चिर स्थायी है, तो इसलिए इसको कई सारे आकारों में डाला जा सकता है और उद्योगों फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में प्लास्टिक ऊष्मा विद्युत का कुचालक है, यानी कि इससे बिजली के तार बनाए जाते हैं और कुकर के हत्थे यानी खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे भी बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर है, आप इसको कॉपी में भी बिल्कुल अच्छे से सुन करके नोट डाउन करें, बिल्कुल आपका बिल्कुल जिसे बोल सकते हैं हम नोट्स प्रिपेयर हो रहा है हमारे पास में, आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।